जेंटलमैन घोड़ा खरीदने जा रहा था, इमाम साहब रास्ते से गुजर रहे थे, वो जेंटलमैन इमाम साहब मस्जिद के दरवाजे पे खड़े थे, रोडे पे मस्जिद थी, इमाम साहब को सलाम किया, इमाम साहब सलाम अलैकुम। तो इमाम साहब ने कहा जेंटलमैन कहां जा रहा है, बोला कि घोड़ा खरीदने जा रहे हैं। तो इमाम साहब बोले अल्लाह का बंदा घोड़ा खरीदने जा रहा है इंशाल्लाह तो बोलो। बोला कि मौली साहब हद करते हैं, घोड़ा खरीदने हम जाएंगे, पैसा हम लगाएंगे, इंशाल्लाह बीच में कहां से आया। बोला जो 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 अच्छा बाजार चला गया, बाजार गया, घोड़ा देखा, घोड़ा पसंद आ गया, सौदा हो गया, लिखा पढ़ाई सब हो गया, घोड़े वाले ने कहा पैसा निकाल। ये जेंटलमैन जेब में हाथ डाला ना, इधर डाला उधर निकल गया, कोई इसका जेब काट लिया। घोड़े वाले ने कहा कि क्या हुआ रे, पैसा देना रे। बोला इंशाल्लाह लगता कोई जेब काट लिया। सर झुका के आ रहा था, फिर हजरत से मुलाकात हो गई इमाम साहब से रास्ते में, सर झुका के आ रहा था, इमाम साहब ने कहा रे क्या हुआ जेंटलमैन, घोड़ा नहीं खरीदा। करीब आया, बोला कि हजरत क्या बोले, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हुई थी सुबह। बोला हाँ। बोला इंशाल्लाह हम बाजार गए, इंशाल्लाह घोड़ा देख लिया, इंशाल्लाह सौदा हो गया, इंशाल्लाह सब कुछ हो गया, और इंशाल्लाह जैसे पॉकेट में हाथ डाले, इधर डाले उधर निकल गया, इंशाल्लाह कोई पॉकेटे काट लिया। तो हजरत ने कहा कि अल्लाह का बंदा यही इंशाल्लाह कि रट अगर पहले लगा लेता तेरी जेब नहीं कटती, अल्लाह तेरी जेब को कटने नहीं दे। अब मान के एक जेंटलमैन मोटरसाइकिल लेके जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, मुसलमान लोग जमा हो गए, मुसलमानों की बस्ती थी। सो जब ये पता करो, देखो तो सही, ये लावारिस लाश है, पहचानो कहां का है, हरचंदगढ़ी की है, कहां का है, ये सिकटी का है, पलासी का है, कुर्साकांटा का है, कुवारी का है, कहां का है देखो। बोला कि पहचान में नहीं आ रहा, कौन है लड़का। ओ तो कैसे होगा। बोला देखो इसका जेब पॉकेट तलाशी लो तो आधार कार्ड आइडेंटिटी कार्ड पहचान पत्र है कि नहीं। तो जेब देखा गया, बोला आधार कार्ड है। बोला बस समझ में आ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा ये इधर का है कि उधर का है। नाम से, अरे नाम से पता चलेगा ना, नाम से पता चल जाएगा ये मुसलमान है कि हिंदू है, नाम से पता चल जाएगा। ये पढ़ा लिखा आधार कार्ड लिया, बोला पढ़ तेरा नाम की रे, नाम की है। तो पढ़ा, बोला इसका नाम है मिंटू। बोला मिंटू कैसे होगा। बोला इसको बाप का नाम देखो, बाप का नाम देखो, बाप का नाम देखो। बोला बाप का नाम है चिंतू। समझ में आएगा, अरे बोलो ना समझ में आएगा। लोग परेशान हो गए, अरे मिंटू इधर भी है, मिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है, चिंटू उधर भी है, खट्टू इधर भी है, खट्टू उधर भी है, कैसे पहचान में आएगा। सारे लोग परेशान हो गए, भाई नहीं समझ में आएगा कि ये पता नहीं मुसलमान है कि हिंदू है कि इधर का है कि उधर का है। तो बूढ़े मियां थे, वो बोले अरे काहे परेशान हो रहा, चेहरा से नहीं पता चल रहा कि मुसलमान है, लिबास नहीं है, टोपी नहीं है, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, अच्छा नाम से भी पता नहीं चला। एक उपाय है, एक उपाय है, उससे एकदम फाइनल हो जाएगा कि मुसलमान है कि हिंदू है। अब वो उपाय क्या हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए, समझे। अच्छा बच्चा सब नहीं समझे के लिए, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के दामन में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी बात को समझने की कोशिश करूंगा। तो नौजवानों मुसलमानों, अपने आप को पहचानो तुम क्या हो। नबी की सीरत
पे जिंदगी गुजारो, जिंदगी भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। मुसलमानों तो मुसलमान हो, मुसलमान की शान वो होनी चाहिए कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए, मुसलमान जिस गली से गुजर जाए, जिस चौराहे से गुजर जाए, जिधर से गुजर जाए, उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। अपने किरदार को बनाओ, किरदार को बनाओ मुसलमानों, किरदार को बनाओ नौजवानों, अपने आप को पहचानो कि हम क्या हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। चलते चलते मौजूद सामईन किराम, बस एक पैगाम और जहेज के हवाले से। अच्छा, नेपाल में जहेज चलता है? नेपाल में जहेज इधर भी है बीमारी? हम समझे खाली एनडीए में है, ये नेपाल में भी ये बीमारी है। अहे हाई 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 जहेज में। जो मांगकर जहेज लेता है उसका नाम रखे हम इंटरनेशनल फकीर। अल्लाह के यहां क्या जवाब दोगे ये बताओ? जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, कतरे कतरे का हिसाब होगा नौजवानों। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? मेरा रब पूछेगा इस पैसे के बारे में, बेटी वाले से 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख टका लिया, किस्मत का पैसा था, पहले हिसाब दे दो फिर यहां से हिलना। क्या जवाब दोगे? ये दुनिया तफरीका नहीं है, आराम का नहीं है, ये दुनिया दारुल अमल है। यहां जो करोगे कब्र में वही काटना होगा, आखिरत में वही काटना होगा। जो यहां करोगे वहां पाओगे, चाहे वो अमल तुम जैसा कर लो। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हा, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हा, फिर इसके बाद कुछ नहीं। कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं, कीमत जहेज की। इंशाल्लाह वादा करो, वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे। ए नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा फरमा बरदार होगा, वो बच्चा नेक और साले होगा, वही बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, वही बच्चा आलिम दीन बनेगा, और वही बच्चा तेरी खिदमत करके जन्नत में जगह बनाएगा। अगर नबी के सुन्नत के खिलाफ निकाह करोगे, शादी करोगे, तो जो बच्चा पैदा होगा वो लंगड़ा होगा, वो अंधा होगा, वो काना होगा, वो गंगा होगा, और वही बेटा नाफरमान होगा। जब तुम बूढ़ा हो जाओगे खुट्टा में बहन के मारे। नबी की सुन्नत को मत छोड़ो ना। सबसे अच्छा निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो। सबसे है भाई, बोलो भाई, सबसे कम खर्च हो, सबसे कम खर्च हो, सबसे अच्छा निकाह वो है। और नौजवानों सुनो, निकाह, एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह कोई ऐसा काम बताइए जिसमें बरकत हो। क्या पूछा? बोलो भाई। ए बाबू, ए देखिए, संजीदा हो जा बाबू, बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा। ए बाबू, माइक छोड़ दीजिएगा, माइक बहुत अच्छा चल रहा आपका भाई, संजीदा हो जाओ भाई। कमेटी वाले कहाँ है भाई? भाई संजीदा हो जाइए भाई, खुदा के वास्ते आप जलसा सुनने आए तो संजीदा हो जाइए। सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह
सबसे ज्यादा किस काम में बरकत है? और कुर्बान जाओ सुनो, अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया, निकाह में बरकत है। किसमें बरकत है? निकाह में बरकत है, निकाह में बरकत है। ए नौजवानों, मुस्तफा कायनात ने इरशाद फरमाया निकाह करो, निकाह में बरकत है। कारोबार नहीं चल रहा, मान गए शादी नहीं की, हम जवान हैं, कारोबार है या नहीं है, बिजनेस नहीं है। कितना लोग कहते हैं, ओ बेटा भी याद आ नहीं हो, उम्र भरी की बिले भी काम धंधा चिकेन जी भी आगे की करनी, उग्रो खिले भी उग्र मोगियो खिले भी। अल्लाह रोजी खोल देगा, अल्लाह रोजी का दरवाजा खोल देगा, अल्लाह का वादा पक्का वादा है। ए नौजवानों, जवान हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इरादा करो, निकाह करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, इंशाअल्लाह अल्लाह निकाह की बरकत से तेरे रोजी के दरवाजे को खोल देगा, अल्लाह रिज़्क़ का दरवाजा खोल देगा, अल्लाह रोजी में बरकत अता फरमा देगा। शर्त है कि नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। जहेज मांग कर नहीं लेना, जायज नहीं मांगना है, जायज नहीं मांगना है। किसी गरीब बच्ची हो, यतीम बच्ची हो, रिश्तेदार की बच्ची हो, ओ अपना हो, जो भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ बेटी वाला से ये कहना है कि मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, आपका सामान, आपके जहेज की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, अल्लाह तेरे घर में रहमतों का बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। नौजवानों और साथ ही साथ सुनो, एक बात याद रखना मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, निकाह करो गुनाहों से बचाओ। निकाह क्यों करते हैं? गुनाहों से बचने के लिए। भाई गुनाहों से बचने के लिए निकाह करते हैं, जिना से बच जाए, गुनाह से बच जाए, इसलिए निकाह करते हैं। अब निकाह के बाद भी अगर तुम गुनाह करो, अल्लाह अकबर कबीरा, इसकी सजा सख्त सजा है, इसकी सजा सख्त सजा है। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है कि जो जब तुम रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते रास्ता चलते किसी औरत पे तुम्हारी नजर पड़ गई, अब दिल में वसवसा पैदा हो रहा है तो अपनी बीवी से आके मिल लो, वसवसा खत्म हो जाएगा। कुर्बान जाओ, इंशाल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे। हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह जब बूढ़े लोग भी तैयार हैं कि बा कि जलसा जी कहे दुआ कबूल भाई जग हमरो नंबर लगी थी। लेकिन मना नहीं है, मना मना नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने कहा है एक दो तीन चार, कितना बोलो भाई, कितना? चार। लेकिन किसके लिए कहा है ये चार? किसके लिए है? सुनो नौजवानों, ताक झांक छोड़ो, अभी आलम यह है एक एक नौजवान के पास दो दो लड़की का मोबाइल नंबर, तीन तीन लड़की का, चार चार लड़की का मोबाइल नंबर। हाय हाय, दोपहर में एक को बोलेगा हाय तू रोज प्यार करी हूं, असर में बोलेगा बाय तू रोज प्यार करी हूं, असर में बोलेगा टाटा, आयशा में एक के बोलती आई लव यू, तहे सब कुछ होगा। ताक जांग छोड़ो, पसंद है निकाह करो, पसंद है निकाह करो, एक पसंद है निकाह करो, दूसरी पसंद है निकाह करो, तीसरी पसंद है निकाह करो, चौथी पसंद है निकाह करो। इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद नहीं खत्म हो रही है तो इससे पता चलता कि तुमको पसंद नहीं है, तुमको खुजली की बीमारी है। लेकिन सुनो, आगे अल्लाह ने क्या कहा, माता बलकुम मिनन निसाई मसना वो सोलासा वरोबा, एक पसंद कर लो, दूसरी कर लो, तीसरी कर लो, चौथी कर लो। लेकिन सुनो आगे आगे अल्लाह कह रहा है कि सुनो कब करोगे, अगर तुम अदल कर सको, इंसाफ कर सको, चारों के दरमियान में इंसाफ कर सको, अगर इंसाफ नहीं कर सकते हो, अदल नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है, तुम्हारे लिए यकी काफी है। और एक 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 पर भी हुक्म है, अगर एक को, एक बीवी है, अगर तुम हलाल कमाई से उसको नहीं खिला सकते, हलाल रोजी नहीं खिला सकते, बदन में ताकत नहीं है तो तुम निकाह मत करो। तो फिर क्या करो, एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेले खत्म हो गया।
तो इंशाल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक बार और वादा करो, जो ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे, इंशाल्लाह तैयार हैं? आ जो ले लिए हो वापस नहीं करोगे? जो जहेज ले लिए वापस नहीं होगा। अल्लाह हमारे नौजवानों की जिंदगी को बदल दे, इनके दिलों को फिर दे। या अल्लाह हम सबको अपने प्यारे महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह हमें जहेज जैसी लानत से हम सब की हिफाजत अता फरमा दे। अल मुख्तसर मौजा सामईन किराम, ज़हन को हाजिर कीजिए। अभी कई बच्चों की दस्तार बंदी हुई आपके सामने, हुई भाई, हुई ना भाई। इन बच्चों, अब बच्चे लोग कहां चले गए? खाना खाने गया है, भूख भी लगी है ना। कई बच्चे थे हजरत? 12 बच्चे हाफिज कुरान हुए। अच्छा आप लोग पढ़े लिखे लोग यहां पर बैठे हैं, जरा ये बताइए, किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, वकील बना हो, मास्टर बना हो, आपने देखा है कि उसका बाप जलसा सजाया है और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा है? बोलिए ना भाई, हाँ बोलिए ना बोलिए, देखे हैं तो बोलिए, नहीं देखे तो बोलिए नहीं देखे। वकील साहब के सर पे? नहीं। बड़ा बाबू के सर पे? नहीं। बस यही पूछना था। अब जरा जहन को हाजिर कीजिए, आखिर क्या वजह है? ये गरीब का बच्चा है, बाप इसका ठेला चलाता है, मदरसे में डाल दिया, हाफिज कुरान हो गया, मदरसे वालों ने जलसा सजा लिया, आपको दावत दिया, हजारों लोग जमा हो गए, मौकर आलिम दीन को बुलाया, उनके हाथों से बच्चे के सर पे पगड़ी बांधी गई, आखिर इसकी वजह क्या है? भाई जो डॉक्टर बना है, MBBS किया है, तो वो भी आला तालीम हासिल करके आया है, वकील बना है, LLB किया है, वो भी आला तालीम हासिल करके आया है, तो आखिर क्या वजह है? तालीम तो वो भी हासिल किया है, तालीम ये भी हासिल किया है, ये मदरसे में पढ़ा है, वो कॉलेज में पढ़ा है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, आखिर क्या वजह है कि ये ठेला चलाने का वाले का बेटा हाफिज कुरान हो गया, तो हजारों लोगों को बुलाया गया, उनके सर पे पगड़ी बांधी गई, और डॉक्टर जो लाखों रुपया खर्च करके डॉक्टर बना है, उनके सर पे पगड़ी नहीं है? कोई तो वजह होगी ना। अरे भाई बोलो भाई, कोई वजह होगी ना। ये कुरान लाइए थोड़ा सा मेरे हाथों में, दिए तो कुरान, अल्लाह का कुरान लाइए लाइए लाइए, वजू से है ना, बगैर वजू कुरान छूना मना है। आखिर वजह क्या है? आखिर वजह क्या है? तो पता ये चलेगा मुसलमानों, नौजवानों गौर करो, पढ़े लिखे लोग आप लोग हो तो सुनो, आखिर वजह क्या है? डॉक्टर के सर पे पगड़ी नहीं है, वकील के सर पे पगड़ी नहीं है, मास्टर के सर पे पगड़ी नहीं है, इंजीनियर के सर पे पगड़ी नहीं है, ये ठेला चलाने वाले का बेटा, रिक्शा चलाने वाले का बेटा हाफिज कुरान हो गया है, उनके सर पे पगड़ी बांधी गई, हजारों लोगों को बिठाया गया, हजारों लोगों को बुलाया गया, हजारों लोगों को खाना खिलाया गया, तो पता ये चला, ये कुरान कहता है, ये कुरान कहता है कि जो मुझसे मोहब्बत कर लेगा, जो मुझे से चुम लेगा, जो मुझे सीने से लगा लेगा, जो मुझे सीने में उतार लेगा, अल्लाह अल्लाह उसे जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। बेशक नारे तकबीर, नारे तकबीर, मौलाना साहब चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कुरान का जिंदा मोजेजा है, ये मेरा कुरान का जिंदा मोजेजा है, आज भी मोजेजा है, ये मेरे कुरान का, सुबह कयामत तक कुरान का मोजेजा जिंदा रहेगा। ए मुसलमानों, जो ये कुरान से जुड़ जाएगा ना, जो कुरान से जुड़ जाएगा, अल्लाह उसको जमीन से उठा के आसमान की बुलंदी पे पहुंचा जाएगा, पहुंचा देगा। मुसलमानों कुरान से जुड़ो। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया था आखिरी हज के वक्त में, ए लोगो मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूं। तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो दो चीजें क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, एक अल्लाह का कुरान, दूसरी मेरी सुन्नत, इन दोनों को मजबूती से थामे रहना। अगर तुम थाम कर रहे, तुम सरबुलंद रहोगे, हर कौम तुम्हारी इज्जत करेगी, अगर तुम इसको छोड़ दोगे, तुम गुमराह हो जाओगे।